नमस्कार, मैं बलवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी का दौरा हल्के से प्रत्याशी हूं। मैं पार्टी हाईकमांड माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं। बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। मैं 2000 में यहां से विधायक लोगों ने बनाया, 2005 में बनाया और फिर 2014 में बनाया। जो काम लोगों ने सोचे भी नहीं थे वो हमने कराने का प्रयास किया। आज मौजूदा 2014 से 2019 तक 800 करोड़ के काम सढौर हल्के में हुए, चाहे वो पुड़िया का था, पुल का था, चाहे बिजलीगढ़ का था, चाहे बाईपास का था, चाहे कॉलेज बनवाने का था, चाहे स्कूल अपग्रेड करने का था, चाहे हस्पताल बनाने का था, चाहे रेस्टोरेंट बनाने का, सेक्ट्रेट बनाने का था, चाहे 3 बड़े कस्बे में सीवरेज बनाने का था और चाहे बड़ी बड़ी सड़कें और सड़कों की रिपेयर, गोरों के रास्ते जो गांव में गोर होते हैं उनके रास्ते बनाने का था, ये काम सारे हमने 5 साल में किए। मैं जो भी हल्के की डिमांड होगी, आज हमारे पास वैसे तो बड़ा काम कोई ऐसा है नहीं जो रह गया हो, पर फिर भी जो जनता कहेगी मैं पहला काम वही करूंगा। मैं तो युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नीति बनाई थी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलेगी और उनको सम्मान मिलेगा। आज वो काम पूरा होगा। मेरे हल्के से 800-900 बच्चे लगे और एक SDM भी लगी, HS भी लगी है। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा कि कांग्रेस ना अभी बनी है ना वो बात है, जो उनके कैंडिडेट है आज ही नौकरियां बांट रहे हैं भी हम अपने चहेतों को नौकरियां देंगे, जिससे युवा का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि युवा देश की आने वाली अगली पीढ़ी, नेता ही बनेंगे, अफसर भी लगेंगे, अगर उनको अभी से ब्लैकमेल कांग्रेस शुरू करना कर देगी तो वो बहुत दुखदायी बात है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश का नाम रोशन किया दुनिया में, आज दुनिया माननीय मोदी जी को नतमस्तक कर रही है, दुनिया का सब राज्य चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी के सामने नहीं पड़ गए हैं, तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि देश बचाना, देश जरूरी है, देश बचाना है तो युवाओं को मैं एक संदेश दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। गवर्नमेंट कॉलेज में आज 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1300 बिलासपुर में है, 600-700 मुस्तफाबाद में, पॉलिटेक्निक में 600-700 बच्चे हैं। ये बच्चे हमारे कहीं पढ़ नहीं सकते थे, ये जगाधरी जा नहीं सकते थे, दूर पड़ता था, और खासकर बच्चियां जो 1200-1300 बच्चियां इन कॉलेजों में एडमिशन लेके अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वो बीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी होंगी या विदेश में भी जाएंगी तब भी उनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इलाके के लिए। मैं सढौरा की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग, चाहे गरीब है, अमीर है, किसान है, मजदूर है, सबके हितों की रक्षा की, चाहे मुफ्त में भोजन है, चाहे मुफ्त में आयुष्मान है, और आने वाले टाइम में हमने एक संकल्प पत्र तैयार किया जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और 6 किसान को 6000 मिलता है उसको 10000 करेंगे। ये सारी बातें हम जनता के हितार्थ करेंगे। मैं चाहूंगा कि जनता कांग्रेस के झूठे प्रचार में ना आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो बलवंत जी को एक बात पता लगाना चाहिए, बलवंत जी वहीं पे पहुंच जाते, इतने मिलनसार आदमी है और इतना काम जितना बलवंत जी ने अपने समय में किया किसी MLA ने इतना काम नहीं किया हल्के में। जितने पुल जहाँ पे हम पैदल चलते थे, चाहे वो सोम का पुल ला लो, मारकंडा का पुल ला लो, कोई भी पुल है, जितने पुल, जितने रास्ते, जितनी सड़कें चौधरी बलवंत सिंह जी ने बनाई किसी MLA ने नहीं बनाई आज तक। चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया काम करे, ईमानदारी आदमी है, बहुत बढ़िया।